हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर फोर का एक इम्पॉर्टेंट पेपर, दैट इज CHP, है ना, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और CS और EC दोनों ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट पेपर है ना। तो हम लोग पहला वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे कि जो भी कंप्यूटर मेजरमेंट का काम कर सकता हो उसको हम लोग एनालॉग बोलते हैं, जो कैलकुलेशन का काम कर सकता हो उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करने वाला है तो भी एनालॉग कहेंगे, जो डिसकंटिन्यूअस वैल्यू पे काम कर रहा है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे, या डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करेगा तो भी डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस में हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो ऐसा कंप्यूटर जो दोनों के मिक्सचर से बना हो, तो सिंपली हम लोग हाइब्रिड का मतलब ही क्या जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, मींस हाइब्रिड प्रोडक्ट कह लो। बट हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम लोग कौन कौन से दो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर को मिला देंगे, तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों का फीचर्स हो, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। मतलब ये मेजर भी कर सकेगा और कैलकुलेट भी कर सकेगा, क्योंकि ये एनालॉग वाला का भी फीचर रखेगा और डिजिटल वाले का भी फीचर रखेगा। तो ऐसा कंप्यूटर कहाँ है जिसमें दोनों फीचर्स हो, तो डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, आप समझ गए कि जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का फीचर्स होगा वो डिजिटल कंप्यूटर है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, चलो लिख ही दें, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ किसका किसका, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा बात कि ये मेजर करेगा कि कैलकुलेट, जब कह दिए कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का फीचर है, मतलब ये मेजर भी करेगा और कैलकुलेट भी करेगा, लेकिन पहले क्या करेगा, पहले कैलकुलेट फिर उसको मेजर, या मेजर करने के बाद कैलकुलेट? तो पहले बोलेंगे नहीं, ये पहले मेजर करेगा और फिर उसको कैलकुलेट कर देगा, मतलब वो पहले एनालॉग का फीचर्स का में काम करेगा फिर डिजिटल में। तो इट कैन मेजर एंड कैलकुलेट, दोनों काम कर सकता है, इट कैन मेजर एंड कैलकुलेट। तो पहले मेजरमेंट का काम कर रहा है क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर का फीचर है, और फिर डिजिटल कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेशन कर रहा है, इट कैन मेजर एंड कैलकुलेट बोथ, दोनों फंक्शन होता है इसके पास। अब ऐसा कंप्यूटर कहाँ है, तो डिफरेंस समझ में आ गया, फिर से मैं रिपीट कर रहे हैं, एक एक लाइन में समझना, एनालॉग कंप्यूटर मेजर करता है, डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों करता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई तुमसे पूछे कि हमारा लैपटॉप कैसा है, एनालॉग है कि डिजिटल है कि हाइब्रिड है, हम कैसे डिसाइड करें, मोबाइल कैसा है, टैबलेट कैसा है, कैलकुलेटर कैसा है, तो सिंपल है कि मान लो तुम्हारे पास लैपटॉप है, क्या तुम लैपटॉप से किसी के बॉडी का फीवर, किसी को फीवर हो गया तो तुम माप सकते हो? नहीं, पॉसिबल है, डाटा केबल लगा के या किसी भी तरीके से तुम फीवर नहीं माप सकते, तापमान नहीं माप सकते, रूम का टेम्परेचर नहीं बता सकते हो, तो मेजरमेंट का काम नहीं होगा। हमारा हाइट जानना है तो तुम लैपटॉप से कैसे मापोगे? नहीं होगा। हमारा वजन जानना है तुम अपना लैपटॉप से कैसे मापोगे? तो मेजरमेंट का कोई काम नहीं होगा कंप्यूटर से, तो हमारा कंप्यूटर से नहीं होगा, इसका मतलब हमारा लैपटॉप जिससे मेजरमेंट का कोई काम नहीं होगा, हाँ लेकिन कैलकुलेशन का सारा काम होगा। तो क्या बोल रहे, मेजरमेंट का काम नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन का सारा काम होगा, इसका मतलब है हमारा लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है, एनालॉग की डिजिटल की हाइब्रिड। पहले हम लोग बात कर रहे हैं एनालॉग, फिर हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल, और फिर बात कर रहे हैं हाइब्रिड। तो हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप से किसी का हाइट आप नहीं माप सकते हैं, लैपटॉप से वजन नहीं बता सकते हैं, है ना, तो ये सब किस में आ गया, लैपटॉप डिजिटल में, क्योंकि मेजरमेंट नहीं करेगा बट कैलकुलेशन का सारा काम कर सकता है। फिर पूछेंगे मोबाइल कैसा है, तो मोबाइल से बोलते हैं बहुत लोग कि तापमान तो पता चल जाता है, तो मोबाइल से तापमान कैसे बता दोगे,
हम लोग वेदर फोरकास्टिंग जरूर देखते हैं लेकिन मोबाइल से नहीं देखते हैं, वो तो इंटरनेट कनेक्शन होता है, गूगल से हम लोग देख लेते हैं, गूगल हम लोगों को बता देता है फोरकास्ट करके कि कल का वेदर कैसा होगा, कहाँ बारिश होगा, तापमान, हवा, विंड, मतलब सब कुछ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये मोबाइल का फंक्शन नहीं है, वो तो हम लोग लैपटॉप में भी ब्राउजर में गूगल क्रोम में जाकर के चेक कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में भी, यूजिंग इंटरनेट, मोबाइल का काम नहीं है ये। मोबाइल से तुम मेरा वजन बता दोगे? नहीं पॉसिबल है। मोबाइल से मेरा हाइट बता दोगे? नहीं पॉसिबल है। मोबाइल से मेरा फीवर बता दोगे कितना है? नहीं पॉसिबल है। तो मापने का कोई काम मोबाइल से भी नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि 1 केजी आटा लेना है, तो 1 केजी आटा तौल दो मोबाइल से, माप दोगे? नहीं होगा। मेजरमेंट का कोई काम नहीं होगा मोबाइल से भी। तो मोबाइल भी कैसा है? डिजिटल है, क्योंकि कैलकुलेशन का सारा काम हम मोबाइल से कर सकते हैं, बट मेजरमेंट का कोई काम नहीं होगा। कैसे माप दोगे? 1 लीटर दूध माप दोगे? 1 केजी चावल, 1 केजी चीनी तौल देंगे कि हाँ इसका वजन इतना है? तो माप नहीं सकते, ना वजन माप सकते, ना तापमान, कुछ नहीं। मेजरमेंट का काम नहीं होगा, तो कैलकुलेशन का सारा काम कर सकता है, तो डिजिटल हो गया। कैलकुलेटर की बात करते हैं। अब कैलकुलेटर नाम ही है तो सिर्फ कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेटर को हम लोग क्यों यूज करेंगे? सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो जब कैलकुलेशन के लिए यूज होगा तो वो तो फिर डिजिटल हो गया, क्योंकि हम लोग साफ साफ बोलते हैं कि जो मेजर करता है वो एनालॉग, जो कैलकुलेट करता है वो डिजिटल, और जो बोथ काम करता है वो हाइब्रिड। तो लैपटॉप कैलकुलेट कर रहा है, मोबाइल कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है, तो ये सब तो डिजिटल है, सब कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। थर्मामीटर, अब हम थर्मामीटर खरीद लिए, 100 रुपया का थर्मामीटर है जो कि बुखार माप लेगा, लेकिन हमारा 1 लाख का लैपटॉप ले ले, हम 60-70 हजार का आजकल लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं, i5 i7, लेकिन क्या उससे बुखार माप सकते नहीं? 100 रुपया का थर्मामीटर वो काम कर लेगा, लेकिन हमारा 50-60 हजार का ये लैपटॉप ये काम नहीं कर सकता है, बुखार नहीं माप सकता है कि शरीर का तापमान कितना है, फीवर कितना है, ठीक है? इसीलिए तो क्या बोले, थर्मामीटर माप सकता है, क्या माप सकता है? तापमान। तो मेजरमेंट करने के लिए तो थर्मामीटर किस में आ गया? एनालॉग। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तापमान को मेजर कर सकते हैं, ठीक है? घड़ी, अब घड़ी तो दोनों हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, तो किस घड़ी की बात कर रहे हैं? अब हम जो पहने हैं, इस घड़ी में सुई है, तो सुई से इसमें टाइम डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखता और डिस्क्रीट दिखाता, तब हम इसको कहते। लेकिन ये तो सुई, हम पहले भी एग्जांपल दिए थे कि जिसमें सुई घूमता रहता है वो टाइम को मेजर कर रहा है, तो डिजिटल घड़ी नहीं, एनालॉग क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, एनालॉग क्लॉक। तो जिसमें सुई दिखता है वो एनालॉग क्लॉक है, लेकिन जिसमें डिजिट फॉर्म में लिखता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि 8:32 हो रहा है, तो ये डिजिटल फॉर्मेट में हो गया ना, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। 8:32 दिख रहा है, 1 मिनट तक देखते रहते हैं तो 8:32 ही दिख रहा है, फिर 1 मिनट के बाद ये 8:33 हुआ, तो उतना देर तक समय रुका हुआ थोड़ी था, समय तो चल रहा था बट ये नहीं दिखा रहा था, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। और कैलकुलेशन करता है, ये भी प्रूफ किए थे कि 32 के बाद ये 60 तक नहीं जाएगा, 59 तक जाएगा, फिर वो जीरो कर देगा, तो कैलकुलेट कर रहा है कि कहाँ तक जाना है, फिर किसको बढ़ा देगा, 8 को 9 कर देगा। तो डिजिटल क्लॉक जब लिखेंगे तो डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉच, तो ये डिजिटल में आएगा, लेकिन एनालॉग वाला इसमें आएगा। स्पीडोमीटर की बात कर रहे थे, स्पीडोमीटर तो दोनों होगा, डिजिटल भी होगा, एनालॉग भी होगा, तो जिसमें मीटर दिख रहा था ऐसा, जिसमें स्पीडोमीटर 20 किलोमीटर 0 किलोमीटर इस तरीके का, तो इसमें सुई जो दिख रहा था ये कैसा था? एनालॉग। तो ये हो गया एनालॉग स्पीडोमीटर, और एक डिजिटल स्पीडोमीटर भी होता है, तो स्पीडोमीटर दोनों हो सकते हैं ना, स्पीडोमीटर एनालॉग वाला भी, स्पीडोमीटर डिजिटल वाला भी। तो ये अलग अलग मेंशन है, तो समझ जाना, एक हम डिजिटल स्पीडोमीटर की बात कर रहे हैं, एक एनालॉग स्पीडोमीटर की बात कर रहे हैं। तो एनालॉग वाला में सुई से लिखा कि दिखाएगा कि यहाँ पर अभी 40 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर देखना है स्कूटी में, बाइक में, और यहाँ तो ऐसे लिख देगा इस तरीके से कि आप 40.7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हो, तो ये डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया, ये एनालॉग स्पीडोमीटर हो गया। अब हाइब्रिड का बात करते हैं हम लोग, हाइब्रिड जिसमें दोनों फीचर्स हो, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। तो जैसे हॉस्पिटल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब हॉस्पिटल में गए होंगे अगर, या मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि पेशेंट के बॉडी से कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। अब मान लो कि कोई पेशेंट है, मतलब एक हेल्दी पर्सन था, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, बेहोश पड़ा हुआ है, तो जनरली हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों से प्रॉब्लम पूछता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है।
तो हम लोग अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तब डॉक्टर उसका सॉल्यूशन करता है, ट्रीटमेंट करता है। अब कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तो थोड़ी बताएगा कि उसको दिक्कत क्या है। तो हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, डॉक्टर वेट थोड़ी ना करेगा कि जब वो होश में आएगा तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके बॉडी को स्कैन कर सकते हैं, हम लोग MRI कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं उसके बॉडी को स्कैन करने के लिए, और हम लोग उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या हड्डी टूटा है या कोई भी प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो MRI से, CT स्कैन, मतलब सारे जो ट्रीटमेंट हैं, जो ऑप्शंस हैं, हम लोग उसके थ्रू पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं है, पता नहीं होश में आएगा कब आएगा, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है उसका। फुल बॉडी चेकअप करने के बाद पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वो जो कंप्यूटर, तो इसी तरह से मान लो कोई पेशेंट सीरियस है, ICU वार्ड में एडमिट है, तो एक कंप्यूटर जोड़ देते हैं उसके बॉडी से। अब कुछ नहीं होता है, केबल होता है, क्लिप लगा दिया, किसी फिंगर में लगा दिया, बॉडी पार्ट्स में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखेंगे कंप्यूटर ऐसा होता है, और जैसे ही पेशेंट के बॉडी से कनेक्ट होता है तो उसमें इस तरह से पल्स दिखने लगता है, हार्ट बीट पल्स। अब ये तो दिख रहा है कि हाँ अप डाउन हो रहा है हार्ट बीट, तो मतलब आदमी जिंदा है। हम लोग जानते हैं कि ये लाइन जब स्ट्रेट हो जाता है तो मतलब आदमी का डेथ हो गया। तो ये दिख तो रहा है कि अलाइव है, जिंदा है, हार्ट बीट चल रहा है, बट कितना है पता नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली होना चाहिए था कि 72-70, अब ये बढ़ता घटता रहता है, ये कॉन्स्टेंट तो नहीं होता। मतलब थोड़ा सा दौड़ लिए तो 80 से भी ज़्यादा हो जाएगा, कि एक मिनट में 60 सेकंड में 72 बार धड़कना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता घटता रहता है। दौड़ोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, आराम से सोए तो थोड़ा घटेगा। तो लगभग हम लोग उतना मानते हैं कि 70 के आसपास होना चाहिए, लेकिन देख के पता तो चल नहीं रहा है कितना है। तो हाथ पकड़ के डॉक्टर चेक करता है। तो जब कंप्यूटर लगा ही दिए तो फिर इतना खर्च करके लगाने का क्या फ़ायदा, अगर हाथ पकड़ के चेक करना पड़े तो। तो जैसे ही पेशेंट के बॉडी से वो कनेक्टेड है, वो कंप्यूटर क्या करने लगा, उसके बॉडी का हार्ट बीट मेजर करने लगा। मेजर करने लगा हम कह रहे हैं, तो मापने लगा, तो कैसा हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। सिर्फ उतने ही नहीं मापेगा, वो आदमी थोड़ी बोलने आएगा कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो हमको ऑक्सीजन लगा दो। तो ये कंप्यूटर बताएगा कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन लेवल को भी मापता है ये। दो चीज हो गया, तो पहला क्या माप रहा है, हार्ट बीट, दूसरा क्या माप रहा है, ऑक्सीजन लेवल। फिर बॉडी का टेम्परेचर भी माप लेगा, कहीं बुखार तो नहीं है इसको। फिर बॉडी का ब्लड प्रेशर भी माप लेगा कि बीपी कितना है। तो ये सारा कुछ माप रहा है जी, क्या क्या माप रहा है, बीपी माप रहा है, बुखार मतलब टेम्परेचर माप रहा है, हार्ट बीट माप रहा है ना, और ऑक्सीजन लेवल भी माप रहा है, और लिख देगा। तो सिर्फ माप रहा है और अपने ही समझ रहा है, हमको कहाँ पता चल रहा है हार्ट बीट कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो वो क्या किया, मापने के बाद उसको कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करके लिख देगा कि इसका जो हार्ट बीट पल्स रेट चल रहा है वो 70 है। अब ये कांस्टेंट नहीं है, कभी 70 होगा, कभी 80 होगा, कभी 75, कभी 65, फिर 80, अप डाउन होता रहता है। तो कैसा है, न्यूमेरिक फॉर्मेट। कैसे लिखा, पहले मापा कि कितना है, फिर उसको कैलकुलेट किया, और हमको समझाने के लिए उसको लिख दिया कि इतना है 70, ये बढ़ता घटता रहता है डिस्क। तो दो चीज बोल रहे हैं, कैलकुलेट करके लिखा है, पहले मापा था एनालॉग, फिर कैलकुलेट किया डिजिटल, अब हमको लिख के न्यूमेरिक फॉर्मेट में डिस्क्रीट वैल्यू में दिखाता है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 70 है फिर 80 है, ऐसे हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस है और कैलकुलेट करके, तब डिजिटल हो गया है ना, दोनों का फीचर्स, तो बोलेंगे हाइब्रिड है, क्योंकि पहले वो मापा फिर कैलकुलेट किया, तो हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि दोनों काम कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसी में टेम्परेचर भी दिखाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है सेल्सियस में, अगर दिखा रहा है तो फॉरेनहाइट में ज्यादा होगा, तो चलो दिखा रहा है ठीक ठाक है टेम्परेचर। ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो 50% है, चलो ठीक है, कम हो रहा है तो ऑक्सीजन लगा दो इसको। ब्लड प्रेशर दिखाना होता है, तो चलो वो भी दिखा देता है 92 इस तरीके से, और सब डिसकंटिन्यूअस, 37 है कभी, या ये 70 है तो 65 इस तरीके से। तो पहले क्या बोल रहे, हर चीज को माप लिया कि बॉडी में तापमान कितना है, बीपी कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, हार्ट बीट कितना है, तो इसको मापने के बाद सबको कैलकुलेट करके लिख दिया, तो मेजर भी कर रहा है, कैलकुलेट भी कर रहा है, तो हो गया हाइब्रिड। और भी चीजें हैं मेडिकल साइंस में, कंप्यूटर में, जैसे किसी को मान लो कोई डिजीज है, तो बहुत सारे एंडोस्कोपी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, मतलब अल्ट्रासाउंड है, तो मान लो कि स्टोन है, अब पेट में पथरी है, स्टोन, तो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा लो, तो अल्ट्रासाउंड भी सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं, एक्सरे से भी पता चलता है, लेकिन बेस्ट है चलो अल्ट्रासाउंड करा ले। तो अल्ट्रासाउंड कराए तो पता चल गया, अच्छा हाँ इसमें दो स्टोन है, अंदर दो है छोटा, तो बोला दो है, काउंट किया दो है, ये बोला कि कितना बड़ा स्टोन है,
छोटा है तो चलो मेडिसिन से ठीक होगा, बड़ा है तो चलो सर्जरी करना पड़ेगा। तो बोलेगा कितना है, तो एक अल्ट्रासाउंड जब किए तो पहले काउंट कर लिया कि दो स्टोन है और एक का साइज 9.2 mm है या 6.7 mm है। तो क्या कर रहा है जी, माप रहा है कितना बड़ा है। पहले कैलकुलेट किया कि कितने हैं, फिर माप भी रहा है कि कितना उसका साइज है। तो मेजर किया ना साइज और कैलकुलेट किया ना काउंटिंग कितना है, और उसको रिपोर्ट में लिख देगा कि आपके मतलब किडनी में या यूरेटर में जो भी बोल देगा कि हाँ इतना स्टोन है और उसका साइज इतना इतना है। तो क्या किया, मेजर भी किया साइज को और कैलकुलेट किया कि कितने हैं, मतलब वो कैसा हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि वो मेजर भी कर रहा है और कैलकुलेट भी कर रहा है। तो मेडिकल साइंस में यूज होने वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब वो बिलिंग काउंटर वाला को मत बोल देना, क्योंकि वो तो डिजिटल कंप्यूटर होगा जिसमें बिलिंग टैली वगैरह का काम हो रहा हो, बिलिंग काउंटर पे यूज कर रहा है, वो हमारे जैसा लैपटॉप डेस्कटॉप ही होता है। बट ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारे कंप्यूटर्स कैसे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो कि तुमको जैसे घर में सिंटेक्स से कनेक्टेड नल है, पानी है, तुम रोज नल को खोलते हो, एक्वागार्ड से पानी भरते हो। तो सिंपल बॉटल है तुम जिसमें पानी पीते हो, अब एक्वागार्ड में से ले लो और हम बोलेंगे कि 250 ml पानी भरना है। अब बड़ा सा बॉटल लेके आए तो 250 ml ही भरना है, ना कम ना ज्यादा। अब एक्वागार्ड से भर रहे हो, पता ही नहीं चलेगा कि 250 ml कब हुआ, या तो कम भरोगे या ज्यादा भरोगे, कोई यूनिट तो है नहीं मीटर बना हुआ। तो नल खोल के सीधा एक्वागार्ड से भर रहे हैं तो बोलेंगे नहीं, पूरा पूरी 250 ml ही भरना है, कम और ज्यादा नहीं, लेकिन नहीं भर पाएंगे। लेकिन पेट्रोल पंप में जब हम जाते हैं तो हजारों लीटर पेट्रोल अंडरग्राउंड टैंक में होता है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं 250 ml दो तो 250 ml ही देगा, हम बोलेंगे 1 liter दो तो एग्जैक्टली 1.00 देता है। क्यों, क्या एक्सपर्ट है वो? नहीं, वो डिवाइस है। तो जो पाइप से दे रहा है ना उसमें मशीन लगा होगा, वो मापता होगा। जैसे घर में ग्वाला आता है दूध देने के लिए तो दूध को कैलकुलेट करके तो नहीं ना देगा, मेजर करके देगा, मापा जाता है, कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो मेजर करेगा कि 1 पाव देना है कि आधा केजी देना है कि 1 केजी देना है, तो मापता है और हमको दे देता है। वैसे ही लिक्विड वो भी है तो मेजर करेगा कि हमको कितना पेट्रोल देना है, तो मशीन ऑटोमेटिक वो तो छोड़ भी देगा ना, जो भी ऑपरेटर है वहां पर। तो अगर 100 रुपये का पेट्रोल लेना है, 1 लीटर लेना है, तो 1 लीटर अगर सेट कर दिया तो 1 लीटर के बाद अपने आप मशीन बंद हो जाएगा। तो उसको कैसे पता चला कि 1 लीटर दिए? तो मापने के लिए कोई अंदर में मशीन डिवाइस लगा है, प्रेशर से माप रहा है। देखो ज्यादा अगर प्रेशर से जाएगा तो तुरंत पता, जैसे मान लो 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो मान लो 30 सेकंड लगता है भरने वैसे, और 10 लीटर लेते हैं तो शुरू में बहुत ज्यादा स्पीड से भरेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे नल में ही देख लो, ज्यादा प्रेशर से आ रहा है पानी तो जल्दी 1 लीटर भर जाएगा, कम प्रेशर से है तो थोड़ा समय लगेगा। तो प्रेशर से मापता है, जैसे ही पाइप से तुमको पेट्रोल दे रहा है तो प्रेशर से माप लेगा कि 1 लीटर गया कि 2 लीटर गया। तो माप रहा है क्वांटिटी को कि 1 लीटर दिया कि 2 लीटर दिया कि 3 लीटर दिया। तो मेजर कर रहा है ना कि 1 लीटर की 2 लीटर की 3 लीटर, तो मेजर कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एनालॉग। लेकिन वो कैलकुलेट भी करेगा, क्योंकि मेजर करके वो अपने समझेगा, हमको दिखा देगा कि नहीं एग्जैक्टली 1.00 liter दे दिए। अगर 100 रुपया का लेते हैं तो 1.16 liter होता है। तो ये डिजिटल फॉर्मेट में लिख, पहले मापा वो और हमको लिख के दिखा दिया कि 1.00 या 1.20 liter पेट्रोल दिए। प्राइस भी दिखता है, अगर 1 लीटर का कीमत 100 रुपया है और अगर हम 2 लीटर मांगे तो एग्जैक्टली 2.00 हो गया, तो दिखेगा बगल में 200 रुपया, क्योंकि 1 लीटर का प्राइस सेट है 100 रुपया। अगर हम यहाँ 5 लीटर ले लेंगे तो दिखेगा 5.00, तो यहाँ 500 रुपया बिल दिखा देगा। तो कैलकुलेट अपने आप करते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ 200 हुआ तो 200, यहाँ 3 लीटर तो यहाँ 300, 5 लीटर तो 500, 10 लीटर कर देंगे तो 1000 रुपया का बिल बन जाएगा। तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो अपने कर रहा है, माप भी रहा है क्वांटिटी को 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, और उधर कैलकुलेट भी कर रहा है उसका बिल कितना होगा। हालांकि ये भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में, ये भी डिजिटल ही दिखा रहा है, लेकिन काम दोनों कर रहा है, मेजर भी कर रहा है कैलकुलेट भी कर रहा है। तो पेट्रोल पंप भी किसका एग्जांपल होगा, हाइब्रिड का, क्योंकि मेजर भी कर रहा है और कैलकुलेट भी कर रहा है। तो समझ में आ गया, जो भी कैलकुलेशन का काम करेगा मेजर नहीं कर पाएगा वो डिजिटल है, जो सिर्फ मेजर करेगा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा वो एनालॉग है, और जो दोनों कर पाएगा वो हाइब्रिड है। अब एक सवाल है कि हम लोग जो यूज करते हैं स्मार्ट वॉच आजकल, वो किस कैटेगरी में आएगा? तो हम लोग जब स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, अगर पहन के दौड़ रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, कितना दूरी तय किए, कितना कैलोरी बर्न किए, ये सारा कुछ रिकॉर्डेड रहता है, वो सारा कुछ बताता है कि हाँ इतना दूरी तय किए, डिस्टेंस को माप लिया, कितना कैलोरी बर्न किए उसको भी मेजर कर लिया, कैलकुलेट भी कर लिया, और कैलकुलेशन का तो सारा काम करता ही है, कैलकुलेटर के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, है ना।
तो मेजरमेंट का भी काम कर रहा है, दूरी मापना, बॉडी का टेम्परेचर भी बता देगा, हार्ट बीट भी बता देगा, पल्स रेट बता देगा, तो मेजर सब कर सकता है, लेकिन माप के अपने खाली समझेगा कि हमको भी समझाएगा, तो बता देगा कि नहीं आप इतना दूरी तय किए, दूरी मापा, और हमको लिख के बताएगा कि आप 97.5 मीटर चले हैं, कितना कैलोरी बर्न किया उसको मापा, फिर हमको कैलकुलेट करके लिख देगा कि हाँ आपने 100 कैलोरी बर्न किया है। तो मेजर कर रहा है और कैलकुलेट दोनों कर सकता है, तो स्मार्ट वॉच जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो मेजरमेंट और कैलकुलेशन दोनों का काम करता है। तो स्मार्ट वॉच को हम लोग यहाँ लिख दें, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। तो क्या क्या हम बोले, पेट्रोल पंप ये भी हाइब्रिड है, और स्मार्ट वॉच ये भी हाइब्रिड है, ठीक है। एंड मेडिकल साइंस में यूज होने वाले जैसे एमआरआई के लिए, ईसीजी के लिए, सीटी स्कैन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, ये सारे कंप्यूटर्स जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि डिजिटल कंप्यूटर्स, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पहले वीडियो में कि हम लोग जितना भी अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर को कैटेगराइज किए थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वो सब किसका टाइप है, डिजिटल कंप्यूटर का। और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सारे डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू साइज जो डिवाइड किए गए हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर कितने तरह के, कौन कौन से डिजिटल कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि सेमेस्टर 4 डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निक का अध्ययन द एफर्ट में 22 मार्च होली के ठीक बाद से नया बैच स्टार्ट हो रहा है सारे ब्रांचेस के लिए, तो आप 22 तारीख से एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी कंटेंट को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।